दोस्तों वेलकम बैक टू मरिंग मंत्रा, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग इंडीड। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, जहाज पे क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कौन बनाता है, इन चीज़ों के ऊपर आप में से काफ़ी लोगों के सवाल आते रहते हैं। क्या खुद से बनाते हो या क्या ऐसे खाते हो, ऐसे मच्छी पकड़ के खुद से खाते हो? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपके इन सभी अनसुलझे सवालों के हम साफ सुथरे से जवाब लेके आए इस वीडियो में, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टेक्निकल गुरुजी स्टाइल में बोल के। चलिए शुरू करते हैं। आम लोगों की तरह हमारा रूटीन भी शुरू होता है नाश्ते से। नाश्ता कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे हमारा संडे है तो संडे का नाश्ता कुछ ऐसा होता है। खास चीज़ ध्यान रखने की होती है कि अलग अलग नेशनैलिटी के लोग होते हैं तो उनके लिए अलग अलग चीज़ें भी बनाने पड़ती हैं हमारे चीफ को। कोई ये एक टफ काम है क्योंकि सबको खुश रखना पड़ता है, संडे का नाश्ता है। इसके अलावा आपके पास चीज़ें होती है, जूस होती है फ्रिज में ऑल टाइम अवेलेबल, आपके पास मिल्क, बटर, चीज़, ब्रेड, ये सब कुछ चीज़ें आपको हमेशा मिल जाएंगी 24/7। कभी भी भूख लगाओ नूडल्स एंड ऑल, जैम, ब्रेड। और संडे है तो संडे स्पेशल ये बिरयानी की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइस ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। एक्चुअली है तो 25 लोग, पर बिरयानी वगैरह हो तो थोड़ा बनाना पड़ता है, 40 लोगों का बनाना पड़ता है। यहाँ पे चिकन है, यहाँ पे चिकन भी रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है सर, थोड़ा बहुत बाकी होगा। अनियंस फ्राई करके रखे हुए, ऑलरेडी अनियंस भी फ्राइड है। और यहाँ से शुरू होती है कहानी, रेफ्रिजरेटेड प्रोविजन चैम्बर स्पेस। इसके अंदर जो है वो फ्रीजर वाली आइटम्स मिलेंगी आपको। खोलिए, इसमें आपकी वेजिटेबल्स मिलने वाली है, जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। काफ़ी ठंडा है यहाँ पे, वैसे तो मुझे ठंड लग रही है भाई। एंड फ्रूट्स एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। देखिए आप फ्रूट्स देख रहे हैं, गार्लिक वगैरह। तो ये एक होता है वेजिटेबल रूम, इसके अंदर रखी होती है वेजिटेबल्स। यहाँ पे मिलेंगे आपको। और एक बगल में चैम्बर है, वहाँ पे फ्रोजन मीट वगैरह होता है, मटन, चिकन, फिश एंड ऑल। तो चलिए अभी उस रूम की तरफ चलते हैं हम लोग। ये हो गया मीट एंड फिश रूम वाला चैम्बर, तो चलिए इधर अंदर घुसते हैं हम लोग। ये चिल्ड का टेम्परेचर कितना होगा जी? -18 टेम्परेचर है, ठंड से बर्फ जमने वाली है, पर आप लोगों के लिए जाना तो पड़ेगा अंदर। ओ ये देख रहे हैं तो धुआं हो रखा है ठंड के कारण, टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। अभी ज़्यादा देर तक खुला रखेंगे तो अलार्म भी आएगा। तो इसके अंदर सारे जो आपके हैं फ्रोजन आइटम्स हैं, ये फ्रोजन बीन्स भी हैं, ये सब कुछ फ्रोजन है। और मटन वगैरह कहाँ है जी? इसके अंदर ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे चिकन है इसके अंदर, इसके अंदर मटन है, तो सब कुछ फ्रोजन फ्रोजन है। मटन नीचे है, सॉरी, ये मटन है यहाँ पे, तो सब कुछ फ्रोजन फ्रोजन रखा हुआ है। हाँ ये अलग बात है, हमें यहाँ प्रोटीन डाइट तो हाई रिस्क प्रोटीन डाइट नहीं मिलने वाली क्योंकि सब कुछ फ्रोजन है, बट जो भी है यही है, स्टॉक काफी है हमारे पास। सिर्फ कितने महीने का स्टॉक होगा? हाँ, डेढ़ से दो महीने का स्टॉक है हमारे पास, जबरदस्त। तो ऐसा कुछ होता है भाई, डिले पकड़ के नहीं खानी पड़ती है मछलियाँ। आइसक्रीम और आइसक्रीम वगैरह सब इसके अंदर है। जो स्टोर है हमारा वो होने वाला है ड्राई प्रोविजन स्टोर। ये तो आपने देख लिया, मीट, फिश वगैरह यहाँ पे रखा हुआ मिल जाएगा आपको। बट ड्राई प्रोविजन में मसाले चाहिए और काफी चीजें चाहिए होती है ना, केचप एंड मेयोनीज एंड ऑल स्पाइसेस, ग्रेन्स, राइस, दाल, फ्लोर, तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है। ये ड्राई प्रोविजन स्टोर है हमारा, ये ड्राई प्रोविजन स्टोर है। ड्राई प्रोविजन स्टोर के अंदर जा रहे हैं हम लोग। दो प्रोविजन स्टोर यहाँ पे छोटे हैं इसके लिए, वरना एक बड़ा स्टोर हुआ करता है जनरली। जहाँ जो भी हमारे पास छोटे स्टोर है तो इसका टूर आपको कराते हैं। नंबर टू की तरफ चलते हैं। ये है स्टोर नंबर वन। अच्छा वो टू था क्या? ओके वेरी गुड। और एक ये हो गया, तो ये भी स्टॉक हमारे पास काफी है। चिप तो हमारे पास कितने महीने का स्टॉक होगा ड्राई का? हमारा 2 महीना मिनिमम। 2 महीने का ड्राई का भी स्टॉक है हमारे पास, मतलब 2 महीने का फ्रोजन स्टॉक भी है, 2 महीने का ड्राई का स्टॉक भी है हमारे पास। इन केस वैसे तो हम हर 15 दिन पे तकरीबन प्रोविजन ले ही लेते हैं, हम हर 15 दिन के आसपास हाँ, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स को आप उतने दिन तक मेंटेन रख सकते हो, तो 15 दिनों पे तकरीबन हम ग्रीन वेजिटेबल्स ले लेते हैं। फ्रोजन वेजिटेबल्स जो है, फ्रोजन वेजिटेबल्स एंड ऑल, वो 1-1.5 महीने की स्टॉक होती है, फिर भी हम 15-20 दिन पे प्रोविजन उठा लिया करते हैं ताकि कम ना पड़े और फ्रेश रहे हमारे पास स्टॉक। पुराना स्टॉक खत्म करते हैं, नया यूज़ करते हैं, बट इन केस जरूरत पड़ गई हमें तो 1 महीने तक, 1.5 महीने तक, 2 महीने तक हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पे।